ओम शांति। आमे ए जीवन रे बहुत किछि अर्जन करि चलछे, ज्ञान भी अर्जन करछे, धन भी अर्जन करछे, मान सम्मान भी हमको आम जीवन यात्रा रे पद प्रतिष्ठा आधार रे मिली चलछे। तथापि आमर आहुरी अर्जन करिबार लालसा बढ़ी चलछे, किंतु आमे जहाँ सबू अर्जन करिबा व्यतिरेके संग्रह कर चलीचे से सबू कहाँ पाई, आमे से संबंध रे आज गोटे घटना नेकरी बुझिबा कि वास्तव रे आमे कौन आम पाखरे रखी चलचे। थरे गोटे होटेल रे जड़े भद्र व्यक्ति सका खाई जलखिया खाइबा उद्देश्य बस से होटेल व्यवस्था यही अच्छी जी से होटेल रुचान सका जलखिया फ्री मिल किंतु जलखिया खाइबार समय अवधि सका 10:30 भितर तबे से भद्र व्यक्ति जनक अनुभव कहती कि सी बसिक देखुं कि प्राय 9:30-10 बाजे आक मैंने तरतर होसुच्च रूम मध्य आसुंच तो किए कारण रेस्टोरां बंद हो तेणु खाईपाई किए मेचे टोस्ट ता सहित भिन्न भिन्न प्रकार सॉस नहीं जाऊँगी तो किए इडली भी नौ दोसा भी नौ प्लेट भरी भरी करी नहीं चलती कारण 10:30 बेले बंद हो जाए पुणी किए बहुत प्रकार जूस धरिकी जा किए आउ कौन कौन खाइबा जहाँ भी अच्छी सब प्लेट रे भर्ती करी 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 आनिकी बसीगले तापरे खाइबार पर्व नबार पर्व ए सब जारी रही ए समय रे मानसिकता संबंध रे मध्य से भद्र व्यक्ति कहंती जेहेतु मागणारे खाइबा को मिलुची सकाळर जलखियाटा पैसा देबाकु पड़िवनी तेणु केही केही एही मानसिकता रे मध्य आसथांती कि टिके डेरी रे खाई देले पेट पुरेई किरी ठुसी किरी खाई देले आउ खरा बेले खाइबाकु पड़िवनी केही पुणी जेतिकी खाई परिबा ताठारो अधिक जेहेतु एबे पैसा देबाकु पड़िवनी ताकू खाइबा पाई की प्रयास कर थांदी केही केही मां माने आहुरी आनिकिरी तांकर छुआ मानंकु जबरदस्ती खुआइबा को चेष्टा कर थांदी एमती हो 10:30 बाजी गला आउ एही भद्र व्यक्ति माने से रेस्टोरेंट रे बसिकिरी खाई चल थांदी किंतु शेष को देखा गला कि टेबल उपरे केते खाइबा जिनस बेकार रे पड़ी रहिला कारण माँ मैंने जो छुआ मान को खुआ था छुआ मैंने जिद्दि करी हालिया है कि ना आउ खाइबुनि आउ खाइबुनि भलिया होता आउ माँ मध्य केते समय आमती बाध्य बाधकता खुआते से मध्य थकी जाई सारी था सेमती जी एते प्रकार जूस नहीं केते बा से पी पारिबो जे एते प्रकार इडली दोसा सबू सामग्री को सामनारे धरिकी बसीची सी बा केते खाई पारिबो समस्ते अप्राण चेष्टा करिकिरी शेष को छाड़िकिरी चली गले समस्त को जणा अछि पेट को केतिकी खाद्य दरकार किंतु खाद्य ग्रहण करिबार विशेष करी जलखिया ग्रहण करिबार समय अवधि भी सीमित अच्छी एवं खाइबा को सबु किछि मिलुची तेणु भिन्न भिन्न प्रकार मानसिकता ने समस्ते समय उपयोग करिबा सह खाद्य को ग्रहण करिबा को चेष्टा करथिले किंतु आज आम बुझुचे कहा को ए समाज रे खाइबा को भी मिलुनी किंतु एते प्रकार भल भल खाद्य टेबुल रे छुई भी पारी नहांती
ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ହୁଏ? ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତ ନେବା କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅନୁଭବ କରିବା କି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛେ ଯେଉଁଠି ଆମେ କେବେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ରହିବାର ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ଅବଧି ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, ଖାଇବାରେ, ଭୋଗିବାରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବା ବା ଆମେ ଆମର ଲୋଭ ପରବଶ ହୋଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆସକ୍ତିରେ ଆସିକରି ଆମକୁ ସହଜରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଏହା ଭାବିକରି ଯଦି ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଠୁଳ କରିବା, ଶେଷରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି କ'ଣ ହେବ? ଏସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କି ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବି ପାରିବାନି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି, ଏ ସମସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଆମ ଚାହିଦା କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତେ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତେ, ଏ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ରହନ୍ତା, ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ଆମ ଭଳିଆ ଅନେକ ଆମରି ପରିବାରର ଏ ବସୁଧାର ଅନେକ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରନ୍ତେ, ସୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଖୀ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।